मिलेगी कि बेटा उसकी गोद ऐसे नहीं मिलेगी, उसकी गोद अखंड भक्ति करने से मिलेगी। ध्रुव भगत अपनी माँ के चरण छू करके और चला जाता है। हमारे संत महात्मा वाणी में भी गाते हैं, दादू ध्रुव उमर के बाले ले उपदेश जय बन को, एक नाम से लगन लगाई दीमक चाट गई तन को, खबर चला जब स्वामी जी को छोड़ चले सिंहासन को, भूल कहे संग लिए देवता दर्शन आन दिए जन को। तो वो लगन ध्रुव भगत को लगी थी बेटा, और हमें तो भाई पनीर मिल जा उसकी लगन बहुत बढ़िया हो गया, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बात है पनीर की, कहना बस पनीर बन रहा है इसका मजा तो मजा आ गया पूरा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ध्रुव भगत को लगन लगी, आज ध्रुव अटल अमर है इसलिए ऐसी लगन लगाओ। तो ऐसी नहीं लगती हो कुछ ऐसी तो लगा लो जिसमें कल्याण हो जा कुछ। लगन का मारे Thank you.
क्या है? हमें धर्म के चक्कर में लड़ा रहे हैं लोग। धर्म है जो हमने धारण किया। तुमने क्या धारण किया? गुरु का उपदेश धारण किया है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है धारणा। जो तुमने गुरु का नियम धारण किया वही सबसे बड़ा धर्म है। और क्या कहते हैं? पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरणों में लिपटो। गुरु कौन है? माता पिता भी सर्वप्रथम गुरु है। माता पिता की सेवा करो। जो तुमने संत सद्गुण धारण किया है उसकी सेवा करो। माता पिता को कुछ नहीं समझते तो खाली चले जाते हैं। पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरणों में लिपटो। दूसरी धारणा करो सत्संग की, मिटे भ्रम का खटको। तीसरी धारणा करो नाम की, सुमरण की, भजन करने की। जैसे चढ़े बांस पे नटको। चौथी धारणा चेतन रहना, माया देख मत भटको। जीवा दास कहे सुनो रे साधो, अमर लोक को सबको। अगर हम ये धारणा नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी भी नहीं कर सकते, तो गुरुमुखी और सत्संगी कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं, सतनाम बोलो। सतगुरु रविदास महाराज की जय।